हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में बिहार से कम 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। प्रश्न ये है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन दोस्तों बिहार के गोपालगंज में किया गया था और ये बिहार के गोपालगंज में हर साल जो है आयोजित होने वाला उत्सव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है। ये भी सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है, मैथिली ठाकुर हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बरौनी तेल शोधक बिहार के किस जिले में स्थित है। ये भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। बरौनी तेल शोधक ये जो है बिहार के दोस्तों बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, भागलपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के किस जिले में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था। ये भी दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना सन 1940 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी पटना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा कौन कौन सी है, हिंदी और उर्दू है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, जिसे कचनार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल, जिसे गौर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया, इसके पहले दोस्तों नीलकंठ था। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। बिहार में दोस्तों कुल 7 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है, 21 है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, शेखपुरा। शेखपुरा जो है कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, सबसे ठंडा वाला जिला गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है, बौद्ध मठ होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब किया गया था। 15 अप्रैल 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी, 1906 में। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब किया गया था, 1580 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, 243 हैं।
बिहार विधानसभा में इस समय कुल 243 सदस्य हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार में? पश्चिमी चंपारण है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों बिहार में? शिवहर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय कौन है? बिहार का पहला खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में कुल राज्यसभा की 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से सन 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी था। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? मध्यकाल में जो है खंडित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने सबसे पहले बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों उदयन थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल दोस्तों वो लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जो है संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा जो है वह बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुराना बिहार का कितना परसेंट जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था? 45.85% जो है लेकर झारखंड राज्य बना था। अगला प्रश्न है,
बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, सफेदा आम, यह आम जो है बिहार में ही केवल उपजाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन नदी का उद्गम जो है दोस्तों अमरकंटक में है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य जो है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशी परियोजना का निर्माण किया जाता है? कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी राज्य है? मखान के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार में डालमिया नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है वो दोस्तों चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दोस्तों बिहार में केला का उत्पादन हाजीपुर में होता है। अगला प्रश्न है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार। कटिहार शहर जो है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जो है बिहार में स्थित है? अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इंडिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती राज्य को जो है पराजित नहीं कर सका था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम जो है वो कुछ इलाके जो है इसमें से पश्चिम बंगाल को दिया गया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्ला खां किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्ला खां शहनाई वादन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था? कैप्टन डनवर था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का नाम साहब जादा सिंह था। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पूजा है। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सोनपुर मेला को क्या कहा जाता है? सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? छठ है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार जो है वो छठ पूजा है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? जट जटिन। जट जटिन दोस्तों वो बिहार का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी जो है वो मधुबनी पेंटिंग की हस्ती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देवनगर में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण जिला से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीन कठिया पद्धति से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? गोलघर का निर्माण दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।